रवि, अब उस सवाल पर विराम लग गया जिसमें इंडिया अलायंस क्यों सीटों को लेकर तस्वीर साफ नहीं करती है, वो तस्वीर साफ हो गई और पप्पू यादव ने भी अपने बयान से सवालों पर विराम लगाने का प्रयास किया है। जी बिल्कुल, भले ही थोड़ी देर जरूर हुई है क्योंकि पहले चरण का नामांकन भी खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद जो है गठबंधन में सीटों का जो ऐलान है वो हो चुका है और न्यूज 18 ने जिस तरीके से सबसे पहले बताया था कि सीटों का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा उस पर मुहर लगी है और वो जो तस्वीर है वो सामने हुई है। लेकिन पप्पू यादव को लेकर के जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि पप्पू यादव अब भी जो है वो पूर्णिया सीट पर अड़े हुए हैं और जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक अपने जो कांग्रेस के जो आला कमान हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि जब तक नामांकन नहीं होता है तब तक ये सीटों का जो बदलाव है वो शायद संभव अगर हो पाए तो उसको किया जाए और इसे लेकर के पप्पू यादव ने आला कमान से बात शुरू की है और यही कारण है कि उन्होंने एक बार फिर से जो पोस्ट के जरिए जो है सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला है कि कांग्रेस का जो झंडा है वो पूर्णिया से लहराएगा जबकि कांग्रेस वहां से सीट नहीं दिया रवि, गया रवि, रवि, तो क्या पप्पू यादव के इस पोस्ट को हम ऐसे समझें कि वहां पर वो बीमा भारती के समर्थन के लिए अपने कार्यकर्ताओं को नहीं कहने वाले, ग्राउंड पर जाकर उनके लिए वो प्रचार नहीं करने वाले? जी बिल्कुल नहीं विभा, आपको बता दूं कि वहां पे पप्पू यादव खुद के अपनी सीट के लिए जो है वो दबाव बना रहे हैं और पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है और अभी पप्पू यादव से जो बात हुई उनका कहना है कि वहां पे कांग्रेस का झंडा ही लहराएगा और कांग्रेस वहां से जीतेगी। मतलब साफ है कि आने वाले जब तक वहां पे नामांकन नहीं होता तब तक वो अपनी दावेदारी नहीं छोड़ने वाले क्योंकि बीमा भारती ने पहले ही कहा है कि 3 तारीख को वहां से नामांकन करेंगी और आपको बता दें कि अगर वहां से पीछे नहीं हटते हैं तो पूर्णिया सीट पर फ्रेंडली फाइट जिसे कहा जाता है वो भी देखने को मिल सकता है अगर पप्पू यादव जो है वो अगर एक ढंग से कहें अगर नहीं माने, जिस ढंग से दबाव बना रहे हैं उनका कहना है कि पप्पू वहां से आत्महत्या कर लेना जो है वो बेहतर है बल्कि पूर्णिया छोड़ना उसे ज्यादा नुकसानदायक है। इस आत्महत्या को हम राजनीतिक आत्महत्या के तौर पर दर्शकों तक पहुंचाते हैं क्योंकि राजनीति में अस्तित्व इसी से जुड़ता है और शायद उनका संदर्भ भी आत्महत्या से इसी संदर्भ में रहा होगा कि भाई अगर वहां से नहीं चुनाव लड़े, वहां से अगर विजय श्रेणी नहीं मिली तो एक तरीके से वो राजनीतिक तौर पर उनकी समाप्ति के जैसा ही है। जी बिल्कुल, और भी आप देखिए कि उनके जो रास्ते हैं वो लगभग बिल्कुल बंद हो चुके हैं। पहले जब तक सीटों की घोषणा नहीं हुई थी कल तक मधेपुरा सीट और सुपौल पे बातचीत चल रही थी। सुपौल वैसा सीट जहां पे रंजीता रंजन उनकी पत्नी जो है दो दो बार सांसद बनी है, मधेपुरा सीट से वो खुद 5 बार सांसद रहे हैं, वहां से लड़ने का ऑफर दिया गया था कि अगर मधेपुरा और सुपौल में से कोई सीट अगर चुनना चाहें तो वहां से खड़ा हो सकते थे, आरजेडी दे सकती थी। लेकिन पूर्णिया जो सीट है उस पर पप्पू यादव अड़े रहे और नतीजा सबके सामने है कि पूर्णिया सीट जिस पर बीमा भारती को सिंबल दिया गया था राष्ट्रीय जनता दल ने वो वापस नहीं ली है और राजद के खाते में चला गया है। ऐसे में अब पप्पू यादव के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। अगर कांग्रेस के तरफ से कोई बात अगर की जाती है, राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव अगर मानते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है, ऐसे में देखना होगा कि पप्पू यादव का फैसला क्या होता है। बिल्कुल रवि, एक और सवाल, मुकेश सैनी को लेकर के भी बड़े असमंजस वाली स्थिति थी कि भाई मुकेश सैनी एनडीए में जब सीटों की घोषणा हो रही थी वहां पर वो नगण्य नजर आए, वहां पर कोई बात उनकी बनी नहीं, जब इंडी गठबंधन के सीटों की संख्या की बात आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन आज इसकी भी घोषणा हो गई वहां पर भी मुकेश सैनी दूर दूर तक नजर नहीं आए। जी बिल्कुल, और देखिए यहाँ पे मुकेश सहनी को लेकर के कई पेचीदगियाँ जो हैं वो दिखाई पड़ी और एक ढंग से कहें तो मुकेश सहनी खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वहाँ पे एनडीए के साथ जिस ढंग से उनकी बातचीत चल रही थी और जिस जिद में थे कि वहाँ पे जो सहनी समाज है उनको लेकर के जो केंद्र सरकार है आरक्षण को लेकर घोषणा करे तभी वो दल में शामिल होंगे, उनके गठबंधन में शामिल होंगे, वहाँ से भी बाहर किए गए। कोशिश इस बात की उनकी थी कि इंडी गठबंधन में उनके कोई ना कोई जगह जरूर मिले, लेकिन आपको बता दें कि उनकी जो जगह की जो मांग थी वो मुजफ्फरपुर, खगड़िया, ये दो ऐसे जगह हैं जहाँ पे मुकेश सहनी बहुत मजबूत है, लेकिन मुजफ्फरपुर की जो सीट है उस पर कांग्रेस
कि पहले से बातचीत हो गई थी कि कांग्रेस के खाते में जाता है, जबकि खगड़िया जो है वो सीपीएम के खाते में गया है। तो इस ढंग से दोनों जगहों पर मुकेश सहनी के जो है बात खत्म हुई और उसके बाद मुकेश सहनी को इंडी गठबंधन में भी जगह नहीं मिली। अब स्थिति यह है कि मुकेश सहनी खुद अपने सिंबल पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। देखना होगा कि मुकेश सहनी आने वाले एक दो दिनों में क्या घोषणा करते हैं। विभा बिल्कुल रवि, तो ये स्थिति तो कम से कम अब कांग्रेस को लेकर के साफ हो गई, लेकिन क्या अब ये मानकर चलें कि पप्पू यादव को लेकर गुंजाइश नजर आती है, क्योंकि इससे पहले भी लंबे दौर की बातचीत हो चुकी है, उसके बाद आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तब ये घोषणा की जाती है कि भाई पूर्णिया की सीट जो आरजेडी के पास ही रहेगी, तो फिर अब किस आधार पर पप्पू यादव इंतजार कर रहे हैं? अगर उन्हें वहां पर चुनाव करने का मौका नहीं मिलता है तो उस परिस्थिति में पप्पू यादव का फैसला क्या होगा? देखिए, राजनीति में दबाव का बड़ा असर होता है और राजनीति में कभी भी एक ढंग से कहें कि जो परिस्थितियां जो हैं वो नतीजे जो है डिसीजन बदले जाते हैं। लेकिन पूर्णिया सीट पर जिस ढंग से डिसीजन हुआ है, जिस ढंग से फैसले सीट को लेकर के हुआ है, वैसी परिस्थिति में बहुत कम ऐसे कहें कि जगह बची है जहां से इस सीट को बदला जा सकता है, क्योंकि पूर्णिया सीट को लेकर के पप्पू यादव ने जितने दबाव बनाना था कांग्रेस पर बनाया है। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से रात में मुलाकात होती है, उसके बाद जाकर के अपने पार्टी को कांग्रेस में मर्ज करते हैं, उसके बावजूद अगर उन्हें वो सीट नहीं दी जाती है तो इसकी संभावना बहुत कम है कि आने वाले दिनों में फिर से पूर्णिया सीट जो है उनके खाते में जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये तस्वीर इस वक्त जहां पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 26-9 और 5 के फॉर्मूले को इंडी गठबंधन की तरफ से सामने ला दिया गया है।